नमस्कार, आप सबका स्वागत है। लगातार मिसाइल टेस्ट से दुनिया में खलबली मचाने वाले नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की एक और करतूत सामने आई है। साउथ कोरिया द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरियाई सैनिक साउथ कोरियाई बीच पर केमिकल्स एक एक्सप्लोजिव से भरे बॉक्स भेज रहा है। इसके पीछे का मकसद साउथ कोरियाई बीच पर मौजूद अमेरिका और साउथ कोरियाई सैनिकों को नुकसान पहुंचाना है। साउथ कोरियाई आर्मी द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यहां के डोंगमैक बीच पर केमिकल से भरे ढेरों छोटे छोटे कंटेनर जब्त किए जा चुके हैं। इसके अलावा बीच पर कई बॉक्स में ऐसे एक एक्सप्लोजिव भी मौजूद हैं, जिन्हें छूते ही उनमें विस्फोट हो जाता है। इससे पिछले कुछ महीनों में अब तक करीब 110 लोग घायल हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोंगमैक बीच के किनारे भारी संख्या में अमेरिकन और साउथ कोरियाई सैनिक और उनकी फैमिली की मौजूदगी है। इसके चलते बीच पर अक्सर इनकी भीड़ जमा रहती है। इन्हें ही नुकसान पहुंचाने के लिए नॉर्थ कोरिया द्वारा ये घटिया हरकत की जा रही है। इसके अलावा यहां टूरिस्ट्स की भी हमेशा भीड़ रहती है, जिससे खतरा और बढ़ गया है। सुरक्षा के मद्देनजर साउथ कोरिया ने कई जगह टूरिस्ट को सावधान रहने के लिए साइन बोर्ड भी लगाए हैं। साउथ कोरिया के काउंसिल ऑफिशियल्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के सैनिक इसके लिए कई तरह के तरीके आजमा रहे हैं। एक्सप्लोजिव भेजने के लिए छोटे छोटे लकड़ी के बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। समुद्री बॉर्डर पर मौजूद रहने वाले कोरियाई सैनिक इन बॉक्स को लहरों की दिशा के हिसाब से समुद्र में बहा देते हैं। वहीं केमिकल से भरे छोटे कंटेनर्स बारिश के मौसम में बहाए जाते हैं। इस दौरान तेज हवाओं के चलते आसानी से कंटेनर साउथ कोरिया के बीच पर पहुंच जाते हैं। आमतौर पर बीच पर खेल रहे बच्चे इन कंटेनर्स को खोल लेते हैं और विस्फोट के चलते घायल हो जाते हैं। इसी के मद्देनजर साउथ कोरियाई आर्मी ने बीच पर ऐसे कई साइन बोर्ड लगा दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति भूल से भी किसी लावारिस बॉक्स या कंटेनर को न छुए, बल्कि इन्हें देखते ही इसकी जानकारी बीच पर मौजूद पुलिस को दे।